ऋषभ पंत, ये ऋषभ पंत नहीं है, ये ऋषभ फेंटा है, ये ऋषभ फेंटा है जी, ये पूरा पूरा प्लेयर है और बहुत तगड़ा खेलता है। ऋषभ पंत, पंत इज बैक, दिस इज पंत वी नो, दिस इज पंत वी वांट। 43 गेंदों पे 88, 8 छक्के, 5 चौके और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा का हाल किया है, बहुत ही बेहाल किया बेचारे को। ऋषभ पंत ने घंटा बजा दिया, पकड़ गया गुजरात टाइटंस का। आखिरी ओवर में बंदे ने 31 रन मारे मोहित शर्मा को भाई, छक्के मार मार के उसने भूसा निकाल दिया है भाई। आज ऋषभ पंत ने जो गुजरात टाइटंस का हशर किया है ना, यकीन माने देख के जो शायद गुजरात टाइटंस के फैंस भी खुश हुए होंगे कि यार इंडिया का वो मैच विनर ऋषभ पंत वापस आ चुका है। ऋषभ फेंटा, ये बड़ा दलेर प्लेयर है, इसके पास कट शॉट है, इसका पुल शॉट है, रिवर्स स्वीप ये मारा था, पुठी स्वीप ये मार लेता है और बैट की स्वीप ये लड़का मार लेता है और डरता नहीं है, डरता नहीं है, और क्या बात है इसकी। और ऑस्ट्रेलिया में जैसे मैच था इसने, तो आखिरी तीन यानी 18 बॉलों में 67, 12 बॉलों में 53, आखिरी ओवर में 31, 19वें ओवर में 22, ये है वन एंड ओनली ऋषभ पंत। किधर गए वो मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। बेटा इस तरह बैटिंग करनी होती है, ये इस तरह करनी होती है। वो किधर गया वो मौलवी रिजवान, वो एक्टर जो भाग गया सीरीज से, मैं तो इंजर्ड हो गया हूँ। बेटा विकेट कीपर तो इसे कहते हैं जो ऋषभ पंत ने आज बैटिंग की है। और वही ऋषभ पंत हमें दोबारा से नजर आया, वो हाथ का छूट जाना फिर भी बॉल बाउंड्री से बाहर चले जाना, वो घुटना टेक इस तरह से छक्का, वो MS धोनी की तरह जो ये घुमा के छक्का मारना, कॉन्फिडेंस देखें ऋषभ पंत का, ऋषभ फेंटा के नाम होने चाहिए, अब इसका नाम ऋषभ फेंटा रख दिया, ये बहुत मारता है भाई। नमस्कार दोस्तों, जय। तो बिट इज ऋषभ पंत इज बैक, और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने आज पारी खेल के दिखाई है, 44 बॉल में 83 रन और 8 लंबे लंबे छक्के और 5 चौके और 204 की स्ट्राइक रेट के साथ, और जो हाल किया है 19th ओवर में मोहित शर्मा का 31 रन मार के, भाई मोहित शर्मा भी सर पकड़ कर बैठ गए कि भाई ये बंदा क्या चीज है। और आज जिसने ये मैच मिस किया, और मतलब ऋषभ पंत की पारी को मिस किया, वो नहीं जान पाएगा कि ऋषभ पंत किस चीज का नाम है। और ऋषभ पंत ने आज ये प्रूव करके दिखा दिया कि आप अगर संजू सैमसन को कंसीडर कर रहे हो, केएल राहुल को कंसीडर कर रहे हो, तो भाई मैं भी T20 वर्ल्ड कप की रेस में कहीं बाहर नहीं गया हूं, मुझे भी कंसीडर करो, क्योंकि आज जो पारी खेला और कंसिस्टेंटली IPL 2024 में ऋषभ पंत अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, और आज विकेट कीपर भी बहुत अच्छा विकेट कीपिंग कर रहे हैं, तो बाकी काबिले तारीफ है। तो इसको लेकर पूरी पाकिस्तान मीडिया जमकर तारीफ कर रहा है ऋषभ पंत की। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं बताऊं वीडियो के एंड पर। ऋषभ पंत, पंत इज बैक, दिस इज पंत वी नो, दिस इज पंत वी वॉन्ट। 43 गेंदों पे 88, 8 छक्के, 5 चौके और आखिरी ओवर में जो मोहित शर्मा का हाल किया है, बहुत ही बेहाल किया है बेचारे को। और वो सोच रहा है कि भाई मैं, मुझे क्यों तोड़ा, मेरा क्या कसूर था जो मुझे छक्का चौका फिर छक्का फिर छक्का और फिर छक्का, इतने छक्के कौन मारता है यार। तो ऋषभ पंत कमाल कर दिया आज जी, जिस सिचुएशन में बैटिंग करने आया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम गुजरात टाइटन दे वर क्रूजिंग, दे वर टेकिंग कंट्रोल ऑफ द गेम, मतलब 5-6 ओवरों में 44-45 ये पावर प्ले गया है, और आखिरी दो ओवरों में 50 के ऊपर काम डल गया। आखिरी दो ओवरों में फैबुलस हिटिंग, स्टंप्स भी बड़ा अच्छा साथ दिया, 7 गेंदों पे 26 रन, 2 छक्के, 3 चौके, और क्या चाहिए। अक्षर पटेल की आज प्रमोशन की, उसने भी अच्छी इनिंग खेल के गया, वो 100 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप के साथ वो इन्वॉल्व था ऋषभ पंत के साथ, और फिर उसके आउट होने के बाद अच्छा हुआ जी स्टब्स भी आ गया, क्योंकि स्टब्स हमें पता है कि बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत तेज खेल रहा है, और इस पूरे IPL में स्टब्स ने अपना जलवा दिखाया हुआ। इट्स नाइस फॉर दिल्ली कैपिटल, इट्स नाइस फॉर स्टब्स, इस बंदे में दम है, ये चौके मार सकता है, ये छक्के मार सकता है, तो देयर इज नो रीजन कि आप इस तरह खेल के जाएं। आज देखें बिल्कुल बब्बर शेर की तरह कैसे आखिरी ओवरों में उसको तोड़ के रख दिया। 44 में 3 आउट थे, इट टर्न आउट टू बी अ मास्टर स्ट्रोक के अक्षर को जो ऊपर भेजा उसने तो रगड़ के रख दिया, जैसे साबुन से उसके बाद आप कपड़ों की धुलाई करते हैं, रिजवान साहब उसने रगड़ के रख दिया, इतनी शानदार बारी, 150 का स्ट्राइक रेट, यू विल टेक इट बिकॉज यू आर 44 for 3। तो आखिरी तीन यानी 18 बॉलों में 67, 12 बॉलों में 53, आखिरी ओवर में 31, 19वें ओवर में 22, ये है वन एंड ओनली।
ऋषभ पंत, तो फिर ऋषभ पंत में भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो टेस्ट में फाड़ रहा हो और टी20 में छोड़ देगा। ये उसका पुनर्जन्म हुआ है, वो वापस आ रहा है, उसे थोड़े से टाइम दें। दूध का दूध पानी का पानी हो गया। 31 रन मोहित, मोहित कोई गली में लेगा, कोई चूजा पीता हुआ, कोई ग्राइव वाटर पीता हुआ बच्चा नहीं है, कोई गोद में लेके इसको फिटर नहीं दिया हुआ। टॉप का पिछले साल बॉलर था, 31 रन में 4 छक्के, एक जनाब वाइड है, एक दुखी है, एक चौका है, और 67 रन, 18 बोले, 53 रन, 12 बोले, 22 रन, 6 बोले, 31 रन, 6 बोले, चौका छक्का फिर चौका तो फिर छक्का, तो उसने भी तो बुरा हाल कर दिया। और फेबुलस हिटिंग हुई है, बिल्कुल दिल्ली का क्राउड क्लीन हिटिंग, क्लीन प्योर क्रिकेटिंग शॉट्स थी भाई यार। और पंत तो धोखा रख दिया, मजा आ गया जी एंड पे जो पंत ने खेला। ये इसी तरीके से ही ये खेलता था जब दिल्ली, ये 2018 में आया था आईपीएल में, इसी तरह मार मार के टीमों का बुरा हाल करता था। इसीलिए इसको फास्ट ट्रैक किया गया था टीम इंडिया में कि भाई ये बहुत एक्सेप्शनल टैलेंटेड प्लेयर है। तो अभी वो झलक नजर आ रही है, मेहनत करके आया हुआ, अब इस तरह का खेले तो टीम इंडिया में आप कोई क्वेश्चन करेगा। ऋषभ पंत ने घंटा बजा दिया, पकड़ गया गुजरात टाइटंस का। आखिरी ओवर में बंदे ने 31 रन मारे मोहित शर्मा को भाई, छक्के मार मार के उसने भूसा निकाल दिया है भाई, भूसा निकाल दिया नेहरा साहब का। 31 रन ऋषभ पंत ने मारे, और ये वो ऋषभ पंत है जिसका कमबैक, या जिसने अपनी वो इंसिडेंट के बाद अभी आईपीएल में क्रिकेट का कमबैक किया है। लग रहा है ये बंदा भाई, मैं लिख के देता हूं कहीं चिपका लो लगा लो इस बंदे को, अगर आप वर्ल्ड कप में नहीं ले गए वर्ल्ड कप में, या वर्ल्ड कप की पक्की 11 में होना चाहिए। 2018-2019 वाला ऋषभ पंत देखा है, खुदा की कसम ये वो ऋषभ पंत है, ये वो ऋषभ पंत है भाई। इसकी रेंज में बाल दो, इसकी रेंज से बाहर बाल दो, ये छक्का ही मारेगा। ये मैंने वो ऋषभ पंत देखा है, ये वो ऋषभ पंत है जिसने 35 बालों पे 49 रन थे, फिनिश किधर किया है 43 बालों के ऊपर 88, 8 छक्के, 5 चौके, 204 का स्ट्राइक रेट। किधर गए वो मेरे घंटे का किंग, मेरे घंटे का किंग। बेटा इस तरह बैटिंग करनी होती है, ये इस तरह करनी होती है। वो किधर गया वो मौलवी रिजवान, वो एक्टर जो भाग गया सीरीज से ही, तो मैं तो इंजर्ड हो गया हूं। बेटा विकेट कीपर तो इसे कहते हैं जो ऋषभ पंत ने आज बैटिंग की है, विकेट कीपर तो इस तरह खेलते हैं जिस तरह ऋषभ पंत खेला है। उसको जौन सा मर्जी नंबर दे दो, उसको जौन सा मर्जी बॉलर दे दो, वो बजा देगा पकड़ के। 31 रन मोहित शर्मा को बेटा, 4 ओवरों में, सॉरी आखिरी ओवर में पड़े हैं, 73 रन अगला खा गया 4 ओवरों में। ये वो मोहित शर्मा जो लास्ट ईयर का हाईएस्ट विकेट टेकर था। मोहित शर्मा बड़े दिमाग से बॉलिंग करता है। मोहित शर्मा ने यार्कर करने की कोशिश की है, मुंह पे मारने की कोशिश की है, रेंज से बाहर बॉल करने की कोशिश की है, ऋषभ पंत ने छक्का ही मारा है। मैच देखो, अगले का गैप देखो, क्रिकेट में कितने गैप के बाद वो आ रहा है, एक एक साल से भी ज्यादा का गैप है, 1.5 साल के गैप के बाद वो आया है, और आते सार उसने आईपीएल में जो तबाही मचाई है। मैं सर पकड़ के बैठी हूँ बेटा, ऋषभ पंत ने जो आज बैटिंग की है ना दिल्ली के लिए, 224 रन उसने मार दिए हैं बेटा, और ऊपर से अक्षर पटेल ने। कुछ अरसा ऋषभ पंत क्रिकेट से दूर रहे, हर बंदे ने ये सोचा कि शायद वापसी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ऋषभ पंत की जो वापसी होगी वो इससे भी ज्यादा खतरनाक होगी। आईपीएल 2024 में ऋषभ पंत बॉलर्स के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, अगर कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहे हैं। आज ऋषभ पंत ने जो गुजरात टाइटंस का हशर किया है ना, यकीन माने देख के जो शायद गुजरात टाइटंस के फैंस भी खुश हुए होंगे कि यार इंडिया का वो मैच विनर ऋषभ पंत वापस आ चुका है। आखिरी ओवर मोहित शर्मा का, जिसमें 4 छक्के ऋषभ पंत ने लगा दिए, 31 रन 6 बालों पे लगा दिए, पहले बॉल पे 2 रन, दूसरा बॉल वाइड, उसके बाद जो है वो छक्का चौका छक्का छक्का छक्का, और वही ऋषभ पंत हमें दोबारा से नजर आया। वो हाथ का छूट जाना, फिर भी बॉल बाउंड्री से बाहर चले जाना, वो घुटना टेक इस तरह से छक्का, वो एमएस धोनी की तरह जो ये घुमा के जो छक्का मारना, कोई ऐसा शॉट ऋषभ पंत इस एक्सीडेंट से पहले खेला करते थे और आज उन्होंने नहीं खेला। और क्या कमाल की यार बैटिंग की है, आप देखे 43 बॉले 88 रन, 5 चौके, 8 छक्के, 204 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया जनाब ने, 204 के स्ट्राइक रेट से। अक्षर पटेल 43 बॉले 66 रन, 5 चौके, 4 छक्के, उन्होंने भी कमाल की पारी खेली है। और साथ में स्टब्स ने 7 बॉलों में 26 रन, 3 चौके, 2 छक्के, 371 का स्ट्राइक रेट। लेकिन जितना मजा ऋषभ पंत की बैटिंग देख के आया ना, इतना मजा किसी की बैटिंग देख के नहीं आया। और वही जो आप पुराने वाला ऋषभ पंत हमें देखने को मिला, डेंजरस,
जिसने ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजा के रख दिया था ऑस्ट्रेलिया में। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि दिल्ली एक टाइम पर मुश्किल से लग रहा था कि भाई कहीं ये 200 तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ऋषभ पंत की तूफानी पारी ने और तूफानी आखिरी ओवर की बल्लेबाजी ने दिल्ली को 226 रन तक पहुंचा दिया। और इस तरीके की बल्लेबाजी ऋषभ पंत से हमको उम्मीद थी और उन्होंने करके दिखाया। अगर ऐसा हुआ तो भाई बीसीसीआई के सिलेक्टर को तो अब मतलब क्या ही कहा जाए। सबसे मतलब अब कोई जो मुश्किल में है और मतलब सबसे मुश्किल रोल किसी का होगा अभी तो ये बीसीसीआई के सिलेक्टर का होगा, क्योंकि जो परफॉर्मेंस अब भारतीय खिलाड़ियों का देखने को मिला है ऋषभ पंत की आज की पारी को कंसिडर कर लीजिए, उनको मतलब सिलेक्ट करने पे भी अब उनको मतलब घंटे लग जाएंगे, अरसे लग जाएंगे भाई क्या करें। अब मतलब कह सकते हैं कि अप्रैल 30 को ये अनाउंस होना है T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम, लेकिन वो सर पकड़ के बैठ गए कि भाई क्या करेंगे। लेकिन ऋषभ पंत ने आज स्टेटमेंट दे दिया कि भाई मैं भी T20 वर्ल्ड कप के लिए रेडी हूं और मुझे भी आप कंसिडर करना, क्योंकि जो पारी आज ऋषभ पंत ने खेल के दिखाई वो कोई बीसीसीआई सिलेक्टर भूल नहीं सकता। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।